उद्योगों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं, 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा, सड़क, रेल, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, ये सब मौजूद है दिल्ली के पास हरियाणा के झज्जर में रिलायंस मेट सिटी में। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज एक घंटे की दूरी पर रिलायंस मेट सिटी दुनिया की बड़ी कंपनियों की पहली पसंद बन गई है। यहाँ काम करने के लिए फैक्ट्री, रहने के लिए रिहायशी इलाके, पढ़ने के लिए शैक्षणिक संस्थान, सब कुछ एक साथ मौजूद है और वो भी मूलभूत सुविधाओं के साथ। यही वजह है कि डेवलपर इसे इंटीग्रेटेड टाउनशिप का नाम दे रहे हैं। रिलायंस मेट सिटी पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए अहम योगदान दे रहा है। कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इसका लक्ष्य हमारी पूरी उत्तर भारत के लिए सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने का है और उसी तारतम्य में हमने करीब करीब 8000 एकड़ लैंड को डेवलप करने का हमारा प्लान है। उसमें से 1250 एकड़ लैंड हम कंप्लीट डेवलप कर चुके हैं, उस पर 22 इकाइयाँ चल रही हैं, 35 इकाइयों पर निर्माणाधीन है, करीब करीब 20,000 लोग काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज के साथ साथ रिलायंस मेट सिटी रेसिडेंशियल और कमर्शियल हब बनने वाला है। 1250 एकड़ पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। पैनासोनिक और डेंसो जैसी विदेशी कंपनियों ने यहां पर काम करना शुरू कर दिया है, जबकि कई और विदेशी कंपनियां भी जल्द ही यहां काम करना शुरू करने वाली हैं। खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल और लॉजिस्टिक के सेंटर यहां काम कर रहे हैं। कुल 360 कंपनियों ने मेट सिटी में बुकिंग करा ली है। इसमें 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो चुका है। इंडस्ट्रीज के अलावा 860 रिहायशी प्लॉट भी आवंटित किए गए हैं। रिलायंस मेट सिटी के डायरेक्टर और सीईओ के मुताबिक प्रोजेक्ट में बिजली पानी से लेकर हर सुविधाएं दी गई हैं। मुख्य यूएसपी हैं एक पावर, वाटर, लोकेशन और रिलायंस का ब्रांड। पावर में हम लोगों ने भूमिगत केबल के द्वारा पूरा व्यवस्था की है, जिससे कि बहुत गुणवत्ता और स्थिरता आप पावर की सप्लाई में रहेगी। वाटर हम अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, हमने 5 करोड़ लीटर का अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, जिसमें आप डायरेक्ट ड्रिंक कर सकते हैं फ्रॉम टेप। और लोकेशन का ऐसा है कि एक घंटे के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि एक घंटे के अंदर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी फैक्ट्री पहुंच चुके, और ये चीज हमारी प्रोजेक्ट में अवेलेबल है जो नॉर्थ इंडिया में बेस्ट है। मेट सिटी को पर्यावरण के लिहाज से IGBTC की ओर से गोल्ड सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट को वर्क, लिव, प्ले एंड लर्न के कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। इसलिए एक तरफ जहां इसमें फैक्ट्रियां और रिहायशी इलाके हैं, वहीं से सटे हुए एम्स, IIT, XLRI जैसे कैंपस भी हैं। यानी आने वाले दिनों में मेट सिटी का भविष्य सुनहरा दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि अभी प्राइस यहाँ पे नॉर्मल है, आसपास में मेट सिटी में तो खैर बहुत महंगा प्राइस हो चुका है, 1 लाख रुपए गज से भी ऊपर का रेट हो चुका है। और अभी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो देखना पड़ेगा वो एरिया वो देखना पड़ेगा जो मेट सिटी से टच करता हो, वहाँ भी आपको जो नॉर्मल प्राइस 25,000, 30,000, 26,000, 40,000 के बीच में प्रॉपर्टी गज के हिसाब से मिल जाएगा, क्योंकि मेट सिटी में तो बहुत हाई रेट हो चुके हैं। और मेट सिटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो बहुत अच्छा है, मतलब ग्रोथ पर डे का ग्रोथ है, यहाँ आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा ग्रोथ है और कितनी तेज़ी और फास्ट से ग्रो कर रहा है मेट सिटी। 8000 बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ रही हैं, अभी 450 कंपनियां ऑलरेडी यहां आ चुकी हैं और अभी 8000 कंपनियां यहां आ रही हैं। लग्जरी इसमें फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, विला हैं, प्लॉट्स हैं, मेट सिटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात रेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और मेट सिटी के आसपास भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। फर्क दोनों में इतना है कि मेट सिटी के अंदर प्राइस बहुत
हाई है और अभी जो उसके आसपास के एरिया वहाँ थोड़ा प्राइस अभी लो है। आने वाले टाइम में सारा का सारा एरिया मिक्स होके मेट सिटी में मिक्स हो जाएगा। दिल्ली गुड़गांव वालों के लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो है इन्वेस्ट करिए। मेरा इसमें ये फ़ायदा है कि अगर आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कंपनी से जो ब्रोकरेज मिलती है वो मिल जाएगी, प्लस आप लोगों को बेनिफिट ये है कि जो प्राइस का डिस्काउंट मैं करवा सकता हूँ वो डायरेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो कोई भी अगर इसमें मेट सिटी में या मेट सिटी के आसपास प्रॉपर्टी लेना चाहता है, जैसे बादली जज्जर रोड पे, गुड़गांव रोड पे, फारूक नगर पे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8010600700 पर, ताकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, एक बार आप खुद भी जाके इस एरिए पर नज़र मार सकते हैं, आपको खुद पर खुद समझ में आ जाएगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। कनेक्टिविटी हर तरफ से है इसकी, KMP से कनेक्टिविटी है और हर तरीके से हर जगह से इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। नए हाईवे बाईपास भी बन रहे हैं जो सब इससे टच है।